अ अग्रहम सेवा शिवकांत त्रपाठी शोध संपूर्णानंद संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयम शोधक छात्रम तावत आकारेयामि यत सो पतावत निज गीते अत्र उपस्थितान सभ्यांत स्तवत संतरपयेत हरि ओम आज उपस्थित सभी गुरुदेव जी के श्रीचरणों में प्रणाम करते हुए आज एक संस्कृत कविता रंजकम संस्कृतम रसावहम को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वाणी से अगर कुछ त्रुटि हो तो गुरुजन नवोद बालक समझ करके क्षमा करेंगे करें। सुप्त करें। धर्म बोधक प्रबोधकम रम्य रूप दर्शकम चित्र दृश्य सुप्त धर्म बोधकम प्रियशीप्रबोधकं रम्यरूपदर्शकं चित्रदृश्यकर्षकं नव्यसृष्टिसावकं संस्कृतं शुभावहं सर्वचित्तरञ्जकं संस्कृतं रसावहम् सर्वचित्तरञ्जकं संस्कृतं रसावहम् अङ्गनाङ्गभूषकं मञ्जुगीतगायकं काव्यरमपायकं नैकरूपनायकं शब्दचित्रदर्शकं संस्कृतं सुखावहम् सर्वचित्तरञ्जकं संस्कृतं रसावहं सर्वचित्तरञ्जकं सर्वसं रसावहं वाङ्मलस्यवारकं नाव्यशब्दकारकं कर्मयोगपाठकं भारताविभावकं सद्गतिप्रदायकम् संस्कृत शुभम सर्वचितरंजक संस्कृत रसाव राष्ट्रभक्तिशकम धर्मबुद्धिकारकम सूक्तिरदायक संस्कृते समर्चक सर्वपापदाहकं संस्कृतं मदापहं संस्कृतं मदापहं संस्कृतं मदापहं सर्वचित्तरञ्जकं संस्कृतं रसावहं सर्वस सर्वचित्तरञ्जकं संस्कृतं रसावहम् अतः परम अस्माकम सर जी एका बहुत ही शेरपा शेरपा सर बहुत पंडित होते हैं नेपाल के हमने सुना है आप नेगी जी आप जा जानते शेर शेरपा हाँ बड़ा इतिहास है उनका जो है अभी पता चला था बाढ़ आई थी तो शेरपा बह गए थे ऐसा भी हमने सुना है कुछ जो है नेपाल में कुछ लोग बोल रहे थे कि बहुत शेरपा बह गया था जो है पानी में वहाँ पर है क्या सर अच्छा ही जाते है। हाँ उनकी नहीं। तो सर सांप्रतम संस्कृत विभागीय अध्यापक इता हो कृत शोध कार्या मम निर्देश ने 2014 में पीएचडी आप कंप्लीट कर चुके हैं बड़ा अच्छा काम किया आपने बताऊँ मध्यम का अलंकार पर रक्षित के सर हाँ जी सुनिए सर कारिका का कारिका बनाया सौपज्ञ का सौपज्ञ बनाया और पंजी का जो टीका संस्कृत में लच्छेदार भाषा में मज़ेदार हाँ वो जो है उसका भी रेस्टोर किया हिंदी में भी किया अरे नहीं अरे नहीं, नहीं। 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 नहीं ये संस्कृत संस्कृता संस्कृत में अध्यापय तरी अहम सांप्रतम दावा शेर्पा महोदय संस्कृताध्यापक अत्रनेह आकारयामी डॉक्टर दावा शेरपा नमो नम सर्वेभ्य <coughs> नमो नम्म मै कािचन पद्यात्र बोटभाषा त संस्कृत भाषा अनुदितास् महेस्त्रोत्र अस्य काव्यस्य माहात्म्य अस्ति यत् तथागत सम्यक सबुद्ध एव महेश्वर यति अत्र अभिहत या 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 नहेस्र सानो तथागतै प्रयुजिता महेश्वर यथा महेसन अस्ति तथागतस्य अपि वाहन अस्ति एवं यथा यथा महेश्वर त्रिपुराहक अस्ति तथेव सम्यक सम्बुद्ध तथा अहिपुराहक इत्यादि अस्य साम्यम, साम्यम। साम्य साम्य साम तथा तो, तो, देवा, से सर्व महेश्वर स्त्र यो देवादेवस्ती यो हि देवा देवादिदेवस्ति दैवुरु सै गुरूणाम गुरभूता समह शरण गत महत्वाच्च वशिवाच्च महत्वाच्च वशिवाच्च यो महेश्वरता गता

మైత్రి నిత్యం కరుణా లేపిత కరుణా కరుణాభస్మలేత లేపిత శీల చంద్ర చంద్ర చంద్రకలాశీర్షో నమామి తం మహేశ్వరం మైత్రి ఏదృశం త్రేష్టమైత్రీదయాశృంగం శ్రేష్టమైత్రీదయాశృంగం మోద ప్రముదిత మోదోపేక్షా విలోచనం యషభమారుఢో यानम वृषभू गचे यो महेश्वर शीला क्षमा वीर्य ध्यानादि शक्ति संयुक्त शक्ति वरगणोप्यो तो गचे नमा तम महेश्वर उत्तम मध्यमेंीने शाते शां पदे पीवा सर्वाशिव विमोचको नमा तम महेश्वर संपन्न परमेश्वरीय संपन्न कामोगत्रित प्रहानता परनम्यते महेशसा सकल सत्व शंकरा ये तो दिशा तथा गता शंकरा सकल सत्व शंकरा जाति दुखा मशेशंतु दया परा विशेषता आहारत पुटतो योहि आहारत पुटतो योहि हरम तम परनम्यम तम परनम्यम परनम्यम सर्व सत्त्वोपसंह सर्व सत्त्वोपसंहारी मार बिग्ने रदर्शित सर्वानुसारि भर्यस्तम कामान्तकं नमाम्यहं कामान्तकं नमाम्यहं सर्व लोक केश्वर स्तुत्य मया तेन सकल लोकोयं भवेत ज्ञान महेश्वरा तेन सकल लोकोयं भवेत ज्ञान महेश्वरा नमो नमः पूर्व मध्यमा प्रथम वर्स्था आचार्य पर्यंतम अत्रिय अधितवंता तथा शोध कृत शोध कार्य साप्रतम संस्कृत विभागे अध्यापयन्ति अतिथि शिक्षकत्वेन <coughs> किंतु छात्रान् प्रेरयन्ति नियमित रूपेन एते तावत अध्यापयन्ति इति अस्माक अस्माकम् सहाय्यम तावत विधीयते अतः कर्तव्यम मया विज्ञप्ते संस्कृत विभागे पक्ष संस्कृत विभाग पक्षता अतापरम मृत्युंजय जी आइए श्री मृत्युंजय कुमार चौबे जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय आ आया तो संक्षेपेण जय तो संस्कृत विद्यागुरनाथ सेग्रहण सदा वृद्धि जात प्रतिद्व पुस्तकालय सदा ईशानो विश्वविता नृतावसाने नटराजराजो ननाद्र पंच उधर तुकाम उधरतुकाम शनकादिशी धाने तमर्शे शिवसूत्र संज्ञा च परिभाषा अति चतिदेशोधिक खड विधत्रण विरमा अतः संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय अरे वाह हाँ वा, वा, मैं भूल गया था क्या नाम? जी मिथ आशीष मणि हाँ हाँ अरे वाह गीतकार हाँ गीतकार प्रसिद्ध अत्र पूर्व अत्र पूर्व तावत संपन्न कवि सम्मेलन सु बहुश तावत एन गीत प्रस्तुतिर्विहिता आशीष मणि त्रिपाठी महोदया सादर गीत प्रस्तुत आकार्यते गुरुर्नाम नाम एव, नाम, एव, नाम एव, मम जीवनम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान पक्षतः समायोजिते अस्मिन् संस्कृत सप्ताह समारोह समारोहे अधिमंचान गुरुन पुरतस्त विराजमान गुरुन एकतंत्रेण अभिवंद्य वस्तुतः संस्कृत अय कार्यक्रम अतः संस्कृतम गीतम अहम प्रस्तौमी राष्ट्रसेन्य कार्य मेतापूजन कार्यमें संस्कृताय कार्य नित्य जीवन भागभूत नित्य जीवन भागभूत रक्षण क्षणाथ वेदवाङ्मय बोधनार्थम् शास्त्ररक्षणशिक्षणार्थम् वेदवाङ्मय बोधनार्थम् दिव्यसंस्कृतिपोषणार्थम् भव्य भारत वै भवारथं संस्कृतस्य तु सेवको हम जीवनार्पण दीक्षितो हम संस्कृतस्य तु सेवको हम जीवनार्पण दीक्षितोऽहम् राष्ट्र सेवन कार्यमें देव पूजन कार्यमें संस्कृताय कार्यकरण नित्य जीवन भागभूतम् लोकसङ्ग्रहपुण्यकार्यं साधयेयं कठिनतपसा सर्वजातिसुसामरस्य कारयेयं स्नेहवचसा शकलशक्तिं संस्कृतार्थं योजयेयं पूर्ण मनसा शकल शक्तिं संस्कृतार्थं योजयेयं पूर्ण मनसा राष्ट्रसेवनकार्यमेतत् देवपूजनकार्यमेव संस्कृताय हि कार्यकरणं नित्यजीवन भागभूतम् लोकचेतसि धर्मरागम् स्वाभिमान देशवासीषु आनए संघ भाव प्रेम भाव कार्यकर्तृषु वर्धए सह जनेह उत्पाद्यम स्नेह सहज सहज स्नेह तरी अत्र सहज वर्धम सहज स्नेह कार्य राष्ट्र सेवन मश्रिएयम देव पूजन कार्यमेव संस्कृताय कार्यकरण नित्यजीवन भागभूतं विश्वमखिलं प्रेरयेयं त्यागसंयुत विश्वमखिलं प्रेरयेयं त्यागसंयुत प्रतिपदं ननु चिन्तयेयं संस्कृतोन्नतिसाधनाय क्षणलवं खलु आपयेयम् जगति धर्मस्थापनाय क्षणलवं खलु जगति राष्ट्र सेवन कार्य में देव पूजन कार्यमें संस्कृताय कार्य, मेवा। ही कार्य नित्य जीवन भाग भूत नम संस्कृतायेद्यो नमो संस्कृतकर्तव्य संस्कृतकर्तव्यभक्तिगीत भक्ति यहां भक्तिगीता भक्ति अस्मभी प्रस्तूय तावत् तबनीय समीचीन श्लाघनीय आशीष महोदय काव्यम रूपेण अतः परम अहम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जैसे साहित्य विभाग अध्यक्षा नैक नई कदायित्वानिता और सर साहित्य विभागे एकाकी ना संपूर्ण नंदे हाँ ये सर्वोपरि तावत दायित्वम निर्वाहन्ति आधुनिक तावत हाँ हाँ इतने वो सोचते हैं वह आचार बहुताम सानिध्य बहुताम तावत आम न भ्यति वृद्धि ब्र, वृद्धिरेची सूत्र वृद्धिरादय सूत्र प्र व्याकरण से प्रवर्तता नाम ती ड विजयकुमर पाण्डे महोदया संपूर्ण संस्कृत विश्वव्यालय आचार्य साहित्य विभागाध्यक्ष आदिमच सादर मैं आमंत्रिय आयां कव्यम प्रस्तुंतु प्रथम विद्वांस वैयाक जे खल वे ते योनतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्तखिलशक्तिधरसुधामना अन्यश्च हस्त चरणस अन्यं अन्यश्च हस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम परम आदरणीयः अस्य संस्कृत सप्ताह समारोहस्य अध्यक्षपदं अलङ्करोणाः अस्य सारनाथ केंद्रीय तिब्बती सारनाथकेंद्रीयतिबतीसंस्थान कुलपतय नेगीीमोदया मुख्यातिथय संस्कृत विश्वविद्यालय सेलपत विश्वस्रुता विद्वांस से प्रोफेसर बिहारीलाल ला सर्मोदय अस्य कार्यक्रमस्य सारस्वत अतिथे काशी हिंदू विश्वविद्यालय दा पूर्व व्याकरण विभाग प्रोफेसर भगवत्सरण शरण शुक्ल ह। अस्य कार्यक्रमस्य विशिष्टा अतिथे ह। चंद्रा महोदया ह। तत्तत्स्थाने भ्या विद्वांस प्रेयांस छात्र सब वर्तवते अति कालो जाता अतः एका कविता प्रस्तूय कविताया कविता शीर्षकमस्ती जयति काशीभूतल जयति कासी भूतलम् त्रैलोक्यपतिवक्षस्थलम् जयतिकासि भूतलं त्रैलोक्यपतिवक्षस्थलम् जयति जतृगङ्गा चलतरङ्गा जतृगङ्गा चलतरङ्गा काव्यधारा नाट्यरङ्ग चलतरङ्गा काव्यधारा नाट्यरङ्गा कविगणानाम्रसतरङ्गा का साधु सजनसूरिसङ्गा जयति संस्कृतनिर्मलं जायाति कासि भूतलम् जयति भूतलं त्रैलोक्यपतिवक्षस्थलम् हिन्दोसं मतबेष्वी द्यालयधरा संोहिनी हिन्दोसं मतबेष्वी द्यालयधरा संोहिनी कासिबि पीठ कीर्तिः जायाति शास्त्रीविनोदिनी जयाति संस्कृतवेष्वेष्यालय जगत्रय मञ्जूलम् जयतिकासिभूतलं त्रैलोक्यपतिवक्षस्थलं जयतिकासि भूतलम् त्रैलोक्यपतिवक्ष स्थलम् अन्नपोणा विश्वनायक ढुण्ढि भैरवनिश्चलम् अन्नपोडा वि स्वनायक ढुण्ढि जयति सङ्कटमोचन श्रीचरणकरुणा निर्मलम् जयाति माठ विद्या लयाध्या पकवृन्दवन्देतनिश्चलम् जयति शङ्करसदिश्रीकरपात्रचिन्तानमुज्वलं जयति काशीभूतलं त्रैलोक्यपतिवक्षस्थलं जयति का... जयति काशी भूतल तैलोक्यपति वापी कविता वर्तते यदि समय नहीं हाँ के तो 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 ठीक है बुद्ध काव्यम संस्कृत काव्यम राष्ट्रीय स्वातंत्र काव्यम अरे बहुविधम काव्यम अद्य अस्म कवि सम्मेलन तबत प्राष्ट हुई तो तरी विविधा संस्कृति विविध स्वरूप समायाति तबत कवि सम्वायेन कवि सम्मेलनेन वा एक एत, अय लाभ होती सर्वे विषया पुनः उद्बुद्धा उद्बुद्धा प्रबुद्धा तबत मनसी जायते एतर लाभस्तु जायते अतः परम संपूर्ण वो क्या काशी हिंदू विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय से मम ज्येष्ठा भगिन् ज्येष्ठा सुभगि संस्कृत पूर्व संस्कृत विभागाध्यक्षा सा, अलंकार अल तत्व समीक्षिका तीक्षिकावयत्र्य अस्माकं सारव संस्कृत प्रचार संस्थान प्रचार कार्यम प्रचार दायित्वम वा पूर्व पूर्वम सम्यक रूपेण निभालितवत्यः तावत् आचार्यः मनु लता महोदया काशी हिंदू विश्वविद्यालय विश्वविद्यालयया सादरम आकार्यन्ते बहिनजी भगिन्या आयान्तु काव्यम प्रस्तुवन्तु सादरम संस्कृत विभागेन समायोजितस्य संस्कृत सप्ताहस्य अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षः केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थानस्य कुलपतयः वज्र विद्यायाम नदीशनाः मान्याः प्रोफेसर वांगशुक दोर्जी नेगमी महोदयः अस्य कार्यक्रमस्य संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से नवागता कुलपत ज्योतिष्शास्त्रे नदीषिण प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मोदय कार्यक्रम से सारस्वताे विभूषिता काशीहिंदू विश्वव संस्कृत विद्याधर्म विज्ञानसकाय पूर्व व्याकरण पूर्वव्याण व्याकरण शास्त्रे हे, पारंगता मन्य प्रोफेसर भगवतशरण शुक्ल महोदय और अत्रेव समुपस्थिता हा, अस्य संस्थानस्य अस संस्थान सेल सचिव अत्र अलंकृता मन्य डॉक्टर सुनीता चंद्रा महोदय पुरात विद्यम विवेभ्य विश्वविद्यालभ्य संस्थाभ्य सगता विद्वांस सहृद्रोताेस छात्राच विधे संविधान भुजंगा रचिताम्, रचिता स्वीयां रचना प्रस्तौमी ऋजुः क्वापि पन्था क्वचिद्वक्रयानम् ऋजुः क्वापि पन्था क्वचिद्वक्रयानं विधेः संविधानं भुजङ्गायमानं ऋजुः क्वापि पन्था क्वचिद्वक्रयाणं विधेः संविधानं भुजङ्गायमानम् जगद्दीप भानु प्रकाशम तनोति विशोकम सदा कोकलोकम करोति परम निश्च प्रभम यामिनिशम विधते परम निश्च प्रभम यामिनिशम विधते सदा कौशिके भियोति शोकम प्रदत्ते समीक्षे समानम् असमानं समीक्षे समानं निदानावदानं विधे संविधानं भुजङ्गायमानं ऋजुः क्वापि पन्था क्वचिद्वक्रयाणं विधे संविधानं भुजङ्गायमानं यमुद्वीक्ष्य मित्रं सदा भोज जालम यमुद्वीक्ष्य मित्र सदा भोज जालम प्रमोदम बिभर्ति प्रहृष्टातराल सशुके जले ग्रीष्म काले सतु प्रशुके प्रशुष्के जले ग्रीष्म काले क्षणा तद्विधत्ते कराले समीक्षे समम् असमं समीक्षे समं कालचक्रप्रयाणं विधेः संविधानं भुजङ्गायमानम् नराणां पशूनां प्रकृत्यानुकूलं नराणां पशूनां प्रकृत्यानुकूलम् जलं जीवनं भक्ष्यभोज्यादिमूलं धरा श्यामला सस्य शाकादिपूर्णा धरा श्यामला सस्य शाकादिपूर्णा जलप्लावनेस्मिन्नकस्मान्निगणा प्रपञ्चे विधानं परावर्तमानम् प्रपंचे विधानम् परावर्तमानम् विधे संविधानम् भुजंगाय मानम् समेशाम जनानाम् समानाधिकारः प्रजातंत्र मूलम् सुनित प्रचारः परम बर्बरा दस्यवो लुण्ठकाये परं बर्बरा तस्य लुण्ठकाये विलुण्ठन्ति देशं यथेच्छं शठास्ते इदं संविधानं वितण्डायमानं विधे संविधानं सरीसृप् समानं ऋजुः क्वापि स्वं ता विधे संविधानम भुजंगा जगतियां अर्गु्तपो विकर्ण पादो विकर्ण परम राजनीत तो सकर्ण क्वचि क्वचि कुक्कुटाड क्वचि घास राशि क्वचि कुटाङ्गं क्वचिद्घासराशिं ग्रसन्तः प्रकुर्वन्ति चण्डाट्टहासम् अहो शासनं तदानीम् अहो शासनं नामतो विद्यमानं दरीदृश्यते तद्वितण्डायमानं ऋजुः क्वापि पन्था क्वचिवक्रयाण विधे संविधानम भुजंगा विधे शासने कर्मवाद प्रधानं विधे शासने कर्मवाद प्रधानं कलौ दृश्यते वर्गवाद स्वार्थनीतौ समग्रापि नीतिर विलीना ततो भोगवादः प्रधानं दलं शासकानाम् उलूकायमानं दलं शासकानाम् उलूकायमानं न पश्यन्ति लोकं विकीर्णायमानं ऋजुः क्वापि पन्था क्वचिद्वक्रयाणं विधे संविधानम् देखिए संविधान गीतम कीदृशम सांप्रतम भारतीय संविधान उच्चावच प्रकार उच्चावच प्रकार सांप्रतम तावद दृश्यते संविधान संविधान का विशेषण है सर हाँ तरी अतीव महनीय श्लाघनीय भवत्या तावत सम्यक रूपेण सुसमीक्षित तावत साम सांप्रतिक तंत्रजालम जालम तंत्र सम्यक रूपेण सुसमीक्षित अनेन अने गीते बहुत भी सम्यक रूपेण तावत प्रस्तुयत अत्र का धन्यवादारास्तत्र तत्र भवत्या समागत अस्मा अनुरंजित वत्या वत्या अतः अत्यंतम प्रसिदामी अतः परम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय माया उत आसी ये पदवाक्य प्रमाण पारा पारिण शास्त्रा विद्वांसा कवय अरे अत्यं सहृदय रसीका सी प्रेम पत्र प्रेम पत्र पुस्तकमी तब लिखन्ति विवाहादि आम साम्यग्रूपेण विवाहास गीतमी तावत सम्यक रूपेण प्रणयती अतः आचार्या मीमांसादर्शन विभागाध्यक्षा संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय कमलाकांत महोदया आदिमचम सामया श्रृण्वंत एवं तान अहम आया तो आचार्य सादर भवतां माधवस्वने हसीते न स्वंतन विसरा तनुकांति अंबुदे तड़ी दिवस स्फुर नो मंगल सततमीव तनुथु मंचे विराजमान सुधीमता चक्रपाणे चर भुजाव विद्वांस एवं संपस्थिता मम अतीव प्रियताभाज कवय छात्राश्च एक अनुष्टुप सुना दे रहे हैं प्रारंभ में एक अनुष्टुप सुना करके उत्तरोर मधुर्य प्रियाधर सुधारस सुधारस उत्तर माधुरिया <laughs> प्रिया धर सुधा सुधारस असकृत पिए माने पी तृष्णा संवर्धते यत आ सकृत पिए माने पी तृष्णा संवर्धते यत पिए माने पि पिए माने पि प्रथित प्रकूल से मनस्थले स्फुटति वैदिक शास्त्रपरंपरा सुशोभते साधुसुशोभते विकता स्फुरीता लता है एक नहीं वो श्रृंगार था वो लेखानंकार मंच पर मंत्री हैं तो उनको भिन्न भिन्न दृष्टि से देखने वाले देख रहे हैं दलस्थित कार्य करो गना भी पशुर्णिक भी द्रविणाभिलाषी पुरोहित सप्तशती प्रयोक्ता व्यलो की मंचे नवलह स मंत्री दलस्थित अयम नवलह मंत्री अस्माक कार्य कर ही बेलोकी अंगना भी पशुर बेलोकी वणि भी द्रविणाभिलाषी बेलोकी एवं पुरोहित ही, ही सप्तती प्रयोक्ता नहीं पलाल नहीं कभी कभी जाड़े में धुआँ आता है यहाँ वो हरियाणा से तो उस पर लिखा है नहीं पला पलालन नह पलालज धूम वितान प्रभवतीदशभीषणता कुचित् अखिलनेतृभुजृदुद विषिदम बहित्प्लवतेशम नही पलालज धूम अखिल नेत्र कुचित् अखिलनेतृभुजृदुद्भव विषमदम बहित्प्लवते भृश अहम अवाप्य भुवह सकलम सुखम स्वदितु मार विधिना स्वयं इति निशाचर नीति परायणे प्रतिपदम समुदेति मति ब्रह्मा अहम अवाप्य भुवह सकलम सुखम स्वदितु मार विधिना स्वयं इति निशाचर नीति परायणे प्रतिपदम समुदेति मुदेती मति सुखा अहम रचिता मतिभ्रमो वर्तते निगमता प्रतिपन्निधिक्रम स्मृतिपुराणनजित संशय धृतसदाचरणश्च रे पदसरोजमहम नु कदाश्रिए परकलकार निगमता पुराण स्मृतिपुराणनजित संशय स्मृतिपुराणनय उज्जिता संशय यस धृतसदाचरण्चरपते महम नु कदाश्रिए मम सुता सह पौत्रक मम सुता सकला सह पौत्रक पौत्रकर्भतुषो महनीय पदम सिता। इति गदन सुकृति कलव युगे त्यजति जीर्णतमम जरया वपु मम सुता सकला सह पौत्रकृतिजुषो महनीय पदम इति गदन सुकृती कलव युगे त्यजति जीर्णतमम जरया वपु उपदयाधम कार्यक उपदा उत्कोच श्रुति विरुद्ध मत से च पोषक स्थिति भिदा स्वपि नित्य कलयते नरक खलु पंडित पंडित न परिवार जन से सुखे हया सुहेताम बहुत भी न परिवार जन सुखे हया नखल भूरी धनागम अपितु वैदिक रीति रिजंसया हृदय तह प्रभु राम भजे विशदता मनसो बहिरुल्लसन मलिनता मपुह मपहर तुमि क्षपा विशदता मनसो बहिरुल्लसन मलिनताम बहिरुल्लसन मन मलिनताम मनस विशदता अपहर्तुम इह क्षमा मलमुचावपुषैव भजं प्रभुं पदमदस्तमसः परमश्नुते पदमदस्तमसः परमश्नुते एकम् अपरं समतामयजीवनपक्षधरं समतामयजीवनपक्षधरं विषदस्फुटनीतिविनाशकरं जडबुद्धिविभेदविधानिपुणं भज तंत्र मिदम मम चाटु भज तंत्र मिदम अतीव शोभनम रमणीयम काव्यम अंत तोटक छंद सा लास्ट का छंद आपका बढ़िया तोटक में पूरा आपने बिल्कुल विलंबित जो जीवन है आज का उसको आपने असम्य अच्छे ढंग से जो है क्या है? प्रस्तुत किया है करना भी चाहिए आज की समस्याओं पर कविताएं अगर दृष्टिपात ना करें तो ये समाज पता नहीं कहाँ से कहाँ क्या कर डालेगा कोई ठिकाना नहीं है इसलिए जागृत करते रहना चाहिए सावधान करते रहना चाहिए और उन समस्याओं को विडम्बनाओं को कविताओं के माध्यम से खूब प्रस्तुत होना चाहिए जिससे कि समाज सही मार्ग पर हो अब अधुना अधुना अस्माभि भी प्रत्येक कक्षायाम क्या है संस्कृत कक्षा प्रतिभा परीक्षण इति अस्माभि भी कल्पित तरी प्रश्न तत्र श्याम पट्टे पंच प्रश्न लिखिता और तेषा कृते पत्रमी लेखपुस्तिका भी दत्ता और पंच चुरीशत होराया अत्र एका कक्षा भवति 45 मिनट की एक क्लास होती है यहाँ पर तिब्बती संस्थान में तो काले कालेात्र उत्तरा कैश्चि संस्कृतेन और ये मध्यमाया छात्रा ते हिंदी भाषा शास्त्री शास्त्री कक्ष, आ, कक्षाया, छात्रा छात्रस्तावत्त संस्कृतेन तरी ते एक कक्षाया पुरस्कार तस् मैं सर्वता प्रथम शास्त्री प्रथम वर्ष दावा छाछो शंकर जी हाँ ठीक नोरबू तेंजन मोलम शास्त्री प्रथम जी और समतेन भुटी ऐसी बोलते जाते उत्तर मध्मा प्रथम मैत्री उत्तर मध्मा प्रथम तृतीय पुरस्कार पूर्व मध्मा द्वितीय संदीप कुमार मैत्री का ये है पूर्व मध्मा द्वितीय प्रथम पुरस्कार नहीं है चलो गलछन सांगे है।, है संदीप है हाँ आप बताते जाइए कौन है ग्यलछन सांगे द्वितीय पुरस्कार पूर्व मधमा द्वितीय सर सर नहीं रेनछेन डकपा पूर्व पूर्वधमा प्रथम प्रथम पुरस्कार पूर्व मधमा प्रथम, प्रथम सोनम छोगल तमांग द्वितीय श्लोक पाठे सस्वर श्लोक पाठे जी ये पूर्व दुर्जे पूर्वधमा प्रथम सांत्वना पुरस्कार सस्वर श्लोक पाठे तेंजिन नमतक पूर्व मध्मा द्वितीय द्वितीय पुरस्कार सस्वर श्लोक पाठे बहुत कहा यह सब हमने दिया था पूरा बना करके अतः परम अस्याम काव्य काब्यगोष्ठियाम ये अधुना यावत संचालनम कृत बनता है महाकवयः महाकवयः आचारियः हे ते पि सुखीयम् काब्यम् श्रावयन्तु इत्यस्माकं इच्छा वर्तते लघु काव्यम यो छोटा सा एक गीत है कजरी गीतम इसको आजकल बहुत चल रहा है रतजग्गा कजरी विंध्यवासिनी पूरा इलाका जो है कजरी गीत से छाया हुआ है पूरा भोजपुर क्षेत्र आप समझिए रतजग्गा होता है रातों दिन वहाँ होता है बड़ी कज्जलिका कह दे उसको संस्कृत वालों ने कज्जलिका कर दिया गजल को गलज्जलिका कर दिया जो है हाँ ऐसे ऐसे नाम रख दिए सर हाँ थोड़ा नवीनीकरण कर दिया तो एक रजक है रजक और रजक पत्नी धोबी और धोबिन पता नहीं क्यों हमारा मूड गया तो वो कपड़ा धो रहे हैं कपड़ा धोकर के ला रहे हैं और धोबिन पर क्या बीत रही है तो पूरा जो सामाजिक विडम्बनाएँ हैं उनको इसी माने निमित्त से कह लीजिए या गीत के निमित्त से वो जो है प्रस्तुत कर रही है कि बड़ी विडम्बना है पति के लिए भोजन देने भी जाती हूँ घाट पर जब वो कपड़ा धोते हैं तो भी बड़ा मुश्किल है वहाँ पहुँचना बड़ा कठिन है इस तरह की जो है बातें वो कर रही हैं उलाहना दे रही हैं और अपनी सखी को बता रही हैं अपनी दोस्तानी से कि बड़ी बड़ी बाहर बहुत बुरी स्थिति है हम लोगों के लिए लेकिन फिर भी मुझे आनंद आता है मेरा पति वस्त्र प्रक्षालन करके आता है गीले कपड़ों में आता है मुझे बहुत अच्छा लगता है और वो परिश्रम करके जो है क्या है धनार्जन करता है एक अच्छा है रज कहा अरे रज कहा पतिर मन सी रमते में रज कहा रजक धोबी होता है रज कहा पतिर मनसी रमते में जनयति जनयति कम पिव में रज कहा पतिर मनसी रमते में जनयति कमी विकार आनयते आनयते धनी बसनानी धनी लोगों के कपड़े लाता है वो जो बहुत धनी लोग हैं धनी मानी लोग उनके वस्त्र जो है वस्त्रों का करता है आनयते धनी नाम वसनानी नैक जना नाम मलिनानी नैक जना नाम नी त्वा तान्युप नि त्वा याति तदागम ुपयाति तड़ागम छालयते छालयते सरागम छालयते सरागम छालित वसन महम तम दृष्टवा छालित वसन महम तम दृष्ट मोदे मोदे रे रज कहा पतिर पतिनशिम रमते मे जनयति हे छादयते सखी छादयते सखी मेघा तूर्ण छादयते सखी मेघा तूर्ण वसन सुष्यति वसन सुष्यति नहीं तत्म आर्द्र वसन आर्द्र वसन आगत्य पति आर्द्र वसन आगत ते पतिर में लभते लभते कमपि विकारम में रज कहा पतिर मनसि रमते में रज कहा पतिर मनसि रमते में जनयति कमपि विकारम हे भोज्यमदा तुम भोज्यमदा तुम यामी तडागम भोज्यम दातुम यामी तडागम पश्यति पथिको पश्यति पथिको मा मनुरागम पश्यति पथिको मा मनुरागम मदमतो यो मदमतो यो मामो मदमत तो यो मामो है तुम धत्ते धत्ते रे धत्ते कमपि विकारम रे रज पतिर मनसी रमते कमपि जनयती कम हे कनक भूषणम सोने का हार पहनी है कनक कंठेगरलम् कंठे ओ जहर का हार बन गया है उसके लिए जो है कनक कंठेगरलम् कंठे गरलम दस्यु जना दस्यु जना कर ललितम क्वचिन्ना नारी क्वचिन्ना नारी रहस्य या तू रहस्य भो को चिन्ह नारी या तू रहस्य सखी कुरयात कुरयात गृह निवास समरे कुरयात गृह निवासमरे रज कहा पतिर मनसि रमते में जनयति कमपि विकारम हे बस एता बोला यो मैं तवत् गीतूय अतः पर विराजम अद संस्कृत सप्ताह सारस्वताथ अस्माक अग्रजा पदवाक्य प्रमाणपारिण बैयाक पूर्व संस्कृत पूर्व व्याकरण विभागाध्यक्ष संस्कृत विद्याधिज्ञानशंकायीया काशी हिंदू विश्ववे आचार्य शुक्ल महोदया सादर सारस्वतातिथिय आकार्यंते अधिमंचम निजकाब्बेन तावत अनुरंजयंतु सभ्यान सर्वेभ्यो नमः। अधिमंचम विराज माना हा। अध्यक्षा हा इतस्या हा, हा।, हा नेगी महाभागा हा। मुख्यातिथया हा। आचार्या हा शर्म महाभागा हा। मिश्रिष्टातिथया अस्माकम् पुरतः विराज माना हा ऐतस्य कार्यक्रमस्य सूत्रधार भूता हा धर्मादत्त चतुर्वेदमहाभागा हा मनोरता भगिन्या आचार्या महाभागा हा मित्राणि विद्वान्सा हा, हा। त्रिपाठी महाभागा पांडे महाभागा समेपि अन्ये

वंदा महे भारतम एक कविता प्रसारण तत्र आकाशवाणी सज्जात आसी पूर्व या लक्ष्मीश्च सरस्वती हिमसुता ब्रह्मि जानक या किल कालिका भगवती भूमिर ही माता मता या दुर्गा किल शत्रुनाशन परा भक्तां सुतान पातिया सुयाम भारत मातरम स्वजननीम पंदा महे भारतम देशो यम मम राजते जगतिवई देवई सदा वंदितो वेदई सांग पदक्रम उपनिषदई सरावैश्च शास्त्रैर्युतह सर्वे जना नमति सतत यम संस्कृति देशम विश्वगुरु सनातनर वंदमे भारत विश्व्रेष्ठतया या भारतीया धरा श्रेष्ठतमा

दिव्या सप्तच पर्वता सप्तकुल पर्वता भवन्ति लोके तो दिव्या सप्तच पर्वता ससरीतो विंध्यादयसंस्थिताः अन्ये सन्ति सुमेरुदेशमभितः शैलात्रिकूटादयः तीर्थान्यत्र लसन्ति देवसरितः पुर्ण्याश्च गंगादयः देशं विश्वगुरुं सुतीर्थलसितम् वंदा महे भारत मातृत्व सुपूजिता सुरसमा गो भूमि नद्य स्त्रिया अस्माक भारत देशे गो गौ गाव त्र मातृत्व हिमता भूमि अभी मातृत्व नद्या मातृत्व एवं स्त्रीय समस्ता सकला जगत्सु सर्वा स्त्रीय मातृस्वरूपाई बवंती चारित्रयिकनाश्चय मनुजा राशस्य सेवा पराह ये भक्ताह सूरमात्र भूमि जननी सन्मानवानाम रिदा देशम विश्वगुरुम प्रजा जनयुतम वंदा महे भारतं। अत्र वृक्षा भी पूज्या हो बन्तीकिला ते देवा कथम के एं भूता वृक्षा ये देवुलल्या वर्तंते आम्रो मंदार बिल्वतुलसी मंदारपूतद्रव न एव पूज्या सी पिप्पल प्रभृत प्लक्षण्योधादय पूज्या सी पिप्पल प्रभृत प्लक्षण्यग्रोधादय आम्रो दुम्बर बिल्व तुलसी मंदार पूत मंदारपूतद्रव अने चरूत्तमा अभिमता पूज्य सो भारत पूज्याधि प्रकृत द्रुमेशु महती वा महे भारत अस्माक सारतीयजना कीदृशी वाछाव इच्छा साधु समागमे इच्छा साधुसमगम परगुणे स्नेहो गुरौ नम्रता विद्या भ्यास भक्तिर वा हरे शक्तिर देश समाज रक्षण विधौ संबंध मुक्ति देशम तान् गुणिन मनुजान वंदा महे भारतम वंदा महे भारत बंदा महे भारतम, भारत भारत बहुत भी तो, सम्यक रूपेण नारी काव्यम अपिकिंचित नारीकाव्यमें किंचिज्जा एवं बहु विधा काव्या प्रस्तुता रमणीय मन सतोषा कदाचि मया कलप्यता मैं अन्मीयते सभ्या प्रमाणम् अतः परम् अधिमंचम् अहम् समायामी अद्य अद्यतना अस्माकम् सर्वेशाम् अत्यंतम् प्रियतमः अम् सहरदयः विद्वान् साह नैव निष्चितार्थाद् भीरमंति धीरा ये विद्वान् धीरा भोंति तेताव स्वनिष्चितार्थम् पालयंति दार्धेना सम्यक् रूपेण ताद्रसाह। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से कुलपत अस्माक सौभाग्यमद अस्म तम अभिनंद विहित अस्त तरी आचार्या बिहारीलाल सर महोदया मैं सादरमु्यवक्तव्य कृतार्थयंतु या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः पवित्र तमे अस्मिन् पावने स्थले सुलक्षणे विलक्षणे अस्मिन अस्मिन् क्षणे अस्मिन् सभागारे उपस्थिताह अस्य कार्यक्रमस्य यशस्विनाः अध्यक्षाह अत्रत्याः महन्ताः कुलपतयाः दूरजे नेगी महासयाः वैयाकरण चक्र चूड़ा मणया सर्वे प्रायः भगवत शरण वाचंति तादृशा भगवत शरण भगवत शरण वसात शुक्लत्व ये प्राप्त तादृशा भगवत शरण शुक्ल महाशया अस्माकम् कुल सचिवा आदरणीया चंद्रमहाशया गीर्वाणवाणी सरस्वती सरस्वतीवरदपुत्र मत्सम्क्ष विराजमान महांता कवय प्रेस छात्रा हा, भवंतः सर्वे अपि सामान्याः छात्राः न यतो हि संस्कृतं नाम दैवी वाक् देवाः अनया भाषया व्यवहरन्ति अतो हेतो ये के संस्कृतेन व्यवहरन्ति ते देवतुल्याः भवन्ति अतः समयपि मम समक्षे ये विराजमाना हा संतीते देवा हा, मम वंदनीया हा अभिनंदनीया हा, हा संस्कृतेन ये पठन्ती ते खलु सौभाग्ये न संस्कृतेन पठन्ती ते अत्यंतम् सौभाग्यसालिना हा यतो ही संस्कृतम् नाम केवलम् भाषा न। भाषा वर्तते वर्त अस्माक परंपरा श्रेष्ठ परंपरा परंपरा ब्राह्मपरंपरा परंपरा धर्म परंपरा यंपरा वर्तंट सर्वासापरंपरा संवाहि इं भाषा संस्कृत भाषा अहं तो प्राव कथया ये खलु संस्कृत ते ते तेम्य नव वैज्ञानिक ही इं भाषा विज्ञान रूपेण प्रतिष्ठि प्रत्येक शब्द विज्ञान प्रकटय यथा अस्माकं समक्षं हृदय शब्दः इत्यस्य निर्वचनं हर्ति ददाति याति इति बांधवा वन्दवाह किं भवति यदा अस्माकं शरीरे रक्त दूषण दूषणता आयाति तस्य दूषणस्य रक्तस्य हरणम करोति शुद्ध्यर्थम हरति शुद्ध्यर्थम ददाति पुनः यदा रक्त शुद्धिर भवति तदा याति तस्य संचालनम करोति पाश्चात्य जगति वैज्ञानिक हार्वे सप्तदश शताद्यम अभूत तेन प्रथम वारम शोधः प्रस्तुताः हृदयस्य क्रियाविधि क तथा पूर्वम ते न जानन्ति स्म हृदयस्य क्रियाविधि विषय परम अस्माकम् आचार्यः छात्रणां कृते सौकर्याय आचार्य सत्ताईस सौ साल पहले आचार्य यास्क हुए आपकी सुविधा के लिए मैंने आपसे पूछा कि आप ये समझ रहे हैं जब संस्कृत में संवाद चल रहा था तो आपने कहा नहीं हमें ऐसी भाषा का अवलंबन करना चाहिए जो सर्वग्राह्य हो और सबको सुविधा हो नहीं तो हम अपने मुंह मियाँ मिठ्ठू करके रह जाते सत्ताईसौ साल पहले जब यास्क ने निर्वचन किया हृदय का हरती ददाती याती हृदयम हृदय की फंक्शनिंग मॉडर्न मेडिकल साइंस के अनुसार क्या है हृदय क्या करता है हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड से मिश्रित रक्त का जो अशुद्ध हो जाता है उसका हरण करता है और हरण करके फेफड़ों को शुद्ध करने के लिए देता है ह्यूमन एनाटॉमी के आधार पर फेफड़े क्या हैं? एक स्पंजनुमा फिल्टर है जिसमें लगभग 64 लाख छिद्र हैं, छोटा सा यंत्र है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है और ऑक्सीजन जो हम लेते हैं उससे वो शुद्धिकरण होता है तो ददाती शुद्ध करने के लिए देता है और जब शुद्ध हो जाता है तो याती चलाता है जाता है कहां शरीर में इस प्रकार से ये मानव शरीर चल रहा है यह हमारी संस्कृत अपने शब्द के माध्यम से इस विज्ञान को प्रकट कर रही है लेकिन पाश्चात्य जगत 1656 में यान हार्वे पैदा होते हैं पाश्चात्य धरती पर और वो अपना पहला शोध प्रबंध हृदय की क्रियाविधि पर प्रस्तुत करते हैं इससे पहले पाश्चात्य जगत को नहीं पता था कि हृदय क्या करता है हमारे साहित्यिक बोलते हैं हरियते विषय रीति हृदय विषयों के द्वारा जिसका हरण होता है वह भी हृदय है लेकिन हमने उसका वैज्ञानिक पक्ष प्रस्तुत किया और यही नहीं बृहदारण्य को उपनिषद में जब हृदय शब्द आता है तो शंकर आचार्य शंकर वहाँ उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं तदे तत्रयक्षरम नाम हृदय इति हरी इतकम अक्षरम अभिहर चास्मयी द इत्तेकम अक्षरम ददात्यस्मै स्मयी य इत्येकम अक्षरम यातीति कैसे बोलते हैं उनको पता था कि हृदय क्या करता है तो हमारी यह जो भाषा है केवल भाषा नहीं है इसमें विज्ञान छिपा हुआ है आवश्यकता है कि उस वैज्ञानिक तथ्य को समसामयिक संदर्भ में आधुनिक तकनीक के माध्यम से हम उसको सर्वजन सुलभ बनाएं, आम जन तक उसका लाभ पहुँचे और संस्कृत पढ़ने वाले के भीतर का गौरव जगे क्योंकि संस्कृत वाले का गौरव जगेगा तो भारत का गौरव जगेगा संस्कृत के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि संस्कृत भारत की आत्मा है संस्कृत संस्कृति जो जितनी भारत की है हमारा वैदिक वांग्मय है वो सारा संस्कृत में है इसलिए संस्कृत को समझना ये बहुत जरूरी है मुझे आपने यहां आने का मौका दिया आज आदरणीय धर्मदत्त जी का आग्रह था और इनके आग्रह को टाला नहीं जा सकता था क्योंकि धर्म का आग्रह कभी भी टाला नहीं जाना चाहिए क्योंकि धर्म का पहला लक्षण ही धैर्य है और पूरे का पूरा धर्म धैर्य की बुनियाद पर खड़ा होकर के पूरे विश्व को मार्गदर्शन देता है आज धर्म के नाम पर लोग तरह तरह की बातें करते हैं सनातन क्या है सनातन किसी के मिटाने से मिटने वाला नहीं है यह सृष्टि के आदि में भी उतना ही प्रासंगिक था जितना आज है और जब तक इस धरती पर सृष्टि रहेगी तब तक वो उतना ही प्रासंगिक रहेगा क्योंकि धर्म सनातन धृति क्षमा दमोस्तेम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम ये दस गुण हैं जो इंसान को इंसान बनाते हैं ये कोई संप्रदायवादी विचारों को फैलाने वाली बात नहीं करते कौन सा समाज ऐसा है जिसको धैर्य नहीं चाहिए कौन सा समाज ऐसा है जो सामर्थ्य संपन्न होते हुए जिसमें क्षमा का भाव ना हो और कौन सा समाज ऐसा है जिसमें बुराइयों को कुरीतियों को कुचलने का सामर्थ्य ना हो और कौन सा समाज ऐसा है जिसको चोरी का भाव ना हो इस प्रकार की भावना से ओतप्रोत होना चाहिए कौन सा समाज ऐसा है जिसको शारीरिक सुचिता और आध्यात्मिक मानसिक सुचिता नहीं चाहिए कौन सा समाज ऐसा है जिसको इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं चाहिए कौन सा समाज ऐसा है जिसको बुद्धि से काम नहीं करना चाहिए कौन सा समाज ऐसा है जिसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं करनी चाहिए कौन सा समाज ऐसा है जिसको सत्य नहीं चाहिए और कौन सा समाज ऐसा है जिसमें क्रोध का अभाव हो ऐसा भाव ना हो तो ये तो मानवीय गुण है इसलिए यह सनातन है सनातन का मतलब जो कभी टूटता नहीं है जो हमेशा प्रासंगिक हो जो हमेशा रहता हो और ये इन्हीं गुणों के कारण हमेशा है हमेशा रहेगा जब तक मानवता रहेगी सनातन इसी प्रकार से आवश्यक होगा प्रासंगिक होगा और रहेगा इसलिए धर्मदत्त जी का आदेश डालना संभव नहीं था आपने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया इतनी पवित्र धरती पर जहाँ भगवान बुद्ध ने गया में ज्ञान अर्जित करने के बाद उस ज्ञान को समाज तक धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए जिस जगह को चुना वह ये जगह सारनाथ अनेकों अनाथों को जो सारभूत कर दे ऐसे सारनाथ की पवित्र धरती पर आपने मुझ जैसे छोटे से व्यक्ति को मैं तो पराया कहा करता हूं कि मैं तो हिंदुस्तान के उत्तरांचल में बसे छोटे से पहाड़ी राज्य हिमाचल के छोटे से जनपद का एक छोटे से गांव का छोटा सा व्यक्ति हूँ हमारे हिमाचल में बारह जिले हैं और उनमें सबसे छोटा जिला बिलासपुर मैं उससे आता हूँ और उस बिलासपुर का भी एक बहुत छोटा सा गांव है जो मेरी जन्मभूमि है ऐसे छोटे सी जगह से निकले हुए व्यक्ति को इतना सम्मान आदरणीय दोरजे जी के द्वारा और इस संस्थान के द्वारा और धर्मदत्त जी के धर्म बल से संबलित निर्मल दल से युक्त इनका सारा ये समूह जिसने इतना सुंदर आयोजन किया और यहाँ इतने छात्रों ने अपनी अद्भुत प्रस्तुति दी हमारे आदरणीय कवियों ने अत्यंत समसामयिक संदर्भों से युक्त अपनी भव्य और सुललित पद्यों में कविताएं प्रस्तुत की कज्जरी प्रस्तुत की गीतिकाएं प्रस्तुत की उसके लिए मैं उन सभी का अभिनंदन करते हुए उनके चरणों में वंदन करता हूँ भगवती शारदा उनको और शक्ति दे और वो समसामयिक संदर्भ पर अपनी लेखनी से लिख करके समाज में एक नया सवेरा लाएं मैं उन छात्रों को भी बधाई देता हूं जो आज पुरस्कृत हुए अपने कार्यों से और अपनी प्रतिभा के बल पर वो सब छात्र अभिनंदनीय हैं जिनको पुरस्कार नहीं मिला वो निराश ना हो क्योंकि हार को हरा करके ही हार पहना जाता है जिसने भी हार पहना वो हार को हरा करके पहना इसलिए आप सब अभिनंदनीय है अभिवंदनीय है और आपका प्रयास जीतने वाला तब जीतता है जब हारने वाला साथ हो नहीं तो जीतने वाला जीत नहीं सकता ये लाइट तब जलती है जब इसमें नेगेटिव भी हो अकेला पॉजिटिव लाइट को जला नहीं सकता इसलिए नेगेटिव जो हारा है उसकी भी बड़ी भूमिका है रात ना हो तो प्रभात ना हो इसलिए हारने वालों का भी अभिनंदन और जीतने वालों का भी अभिवंदन मैं ज़्यादा ना कहते हुए चूँकि मुझे बताया गया था कि एक बजे तक का कार्यक्रम में मैं किसी अन्य कार्य में व्यापृत था लेकिन धर्म का आदेश था वो टाला नहीं जा सकता था इसलिए मैं यहाँ आया आप लोगों ने मुझ जैसे छोटे से व्यक्ति को इतना सम्मान दिया इसके लिए मैं हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और भगवती शारदा से बाबा विश्वनाथ से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो हमको इतनी बुद्धि दे इतनी शक्ति दे कि हम रचनात्मक और सकारात्मक कार्यों में अपने श्रम को लगा सकें इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत जय संत निश्चित रूप से कुलपति महोदय ने हमारे विद्यार्थियों को आ, हमारे विद्यार्थियों में निश्चित रूप से अद्भुत उत्साह का संचार किया और संस्कृत की महत्ता जो उन्होंने वास्तव में आज के संदर्भ में प्रस्तुत की है उस पर वास्तव में अभी आगे शोध कार्य की आवश्यकता है संस्कृत के वैज्ञानिक पक्ष को लेकर के खास तौर पर हमें वास्तव में विज्ञान के साथ आज हाथ से हाथ मिलाना होगा क्योंकि वो आगे जा रहे हैं अच्छी बात है कोई भी आगे जाए लेकिन संस्कृत में जो वैज्ञानिक तत्व तो हैं संस्कृत साहित्य में उन पर अभी और एक प्रकार से प्रायोगिक प्रायोगिक क्रिया पक्ष के तौर पर सं, संस्कृत में विज्ञान बस इतना ही छोटा सा विषय ले लें तो पूरा वांग्मय उसमें आ जाता है तो उस पर एक शोध होने चाहिए बुद्धिज्म में तो जरूर है बुद्धिज्म तो चढ़ गया सर बुद्धिम चढ़ गया बुद्धिजम एंड साइंस आ गया है ये पूरे विश्व में चल रहा है जिसमें अभिधर्म कोष वगैरह आपकी जो नाडिकाएं हैं जो उसमें वर्णन है उन सब शास्त्रों पर बुद्धिज्म एंड साइंस पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये विषय बैठ चुका है और ग्रंथ भी आ चुके हैं सर उस पर और परम पावन दलाई लामा जी ने भी क्या है उस पर बहुत प्रकाश डाला है और विश्व के विद्वानों ने उस पर जो है क्या है लिखा है तो हमें वैदिक पौराणिक उपनिषद स्मृतिशास्त्र धर्मशास्त्र और काव्य और आयुर्वेद शिल्प आदि विषयों पर हमें भी इस प्रकार से जो है क्या है हमारे यहाँ भी तो पुष्पक विमान बनता था पुष्पक विमान से लोग जाते थे आखिर चलता ही होगा ना वो कैसे जाता था तो समय सर हाँ तो बिल्कुल विधि थी वो और विमान के शास्त्र भी हैं का भर, अगस्त का आ, और ये सब लोगों का विमान शास्त्र इनकी पुस्तकें भी संस्कृत में हैं तो हाँ तो वो उन पर अभी रिसर्च जो है क्या है होना चाहिए कुछ प्रैक्टिकली कुछ जो है साइंस के लोगों को बुलाना होगा उसमें उनको अपनी अपना जो साहित्य है वो उनके सामने प्रस्तुत करना होगा फिर आपस में विचार विमर्श करके तो हम निश्चित रूप से इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं हमें भी इस पीढ़ी को, को देना चाहिए हमें भी कुछ योगदान प्रायोगिक तौर पर संसाधन की दृष्टि से देना चाहिए जैसे आज विज्ञान कोने कोने में हर जगह क्षण क्षण समझिए आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ हम लोग विज्ञान से घिरे हुए हैं वैज्ञानिक यंत्र तंत्र के बल पर हम लोग आगे क्या है जी चल रहे हैं तो बहुत अच्छा सर आपने हम लोगों को प्रोत्साहित किया बहुत बहुत सर कृतज्ञता आभार हमारे केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान से आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और उस प्रकार से जो है प्रस्तुति दी हम लोगों को जागृत किया प्रबोधित किया इसके लिए बहुत बहुत आभार अच्छे अमूल्य आपने जो है क्या है वक्तव्य तथ्य हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए और संस्कृत देवभाषा है इसमें कोई दो राय नहीं हमें इसमें देवोपम शक्ति का जागरण करना होगा उसकी जो है हमें अप देवोपम गुणों का विकास करना होगा अपने अंदर हमें नैतिकता और आध्यात्मिकता मानवता सदाचारिता का जो संबल है वो आज हमें अर्जित करना होगा दिखाना होगा ऋषि संस्कृति को और उस तपस्या को जिन जिन जिनकी तपस्या के बल पर ये शास्त्र आए हैं इसमें तो सिद्धि मंत्र हैं तंत्र हैं यंत्र हैं इसमें क्या नहीं है इनके बल पर ये मंत्रों के बल पर जो है क्या है हम लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं और अपना कार्य करते हैं प्रजा का कल्याण करते, करते हैं विश्व कल्याण करते हैं वो विश्व कल्याण के लिए जो है संस्कृत साहित्य की सृजना हुई है ये पॉइंट है तो बहुत अच्छा सर हम आभारी हैं और आगे भी सर हमारा ध्यान रखेंगे इसमें कोई दो राय नहीं हाँ इसी प्रकार से हम लोगों को दिशा निर्देश करते रहेंगे अब मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष परम सम्माननीय हमारे संस्थान के कुलपति आचार्य वांक्षुक दोरजे नेगी जी को हम सादर मंच पर आमंत्रित करते आए सर हमको कुछ दिशा निर्देश प्रदान करें कार्यक्रम प्रदान करें योजनाएं प्रदान करें आगे बढ़ाएं हम लोगों को आइए सर स्वागत है आपका नमो तस् भगवत नमो तस् भगवत अरातो सम्मुदस् नमो तस् भगवत अरातो सम्बुदस् संस्कृत सप्ताह समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा जी वाइस चांसलर संस्कृत विश्वविद्यालय सारस्वत अतिथि प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ला जी तथा विशिष्ट अतिथि हमारे संस्थान के कुलसचिव डॉक्टर सुनीता चंद्रा जी तथा पीएचयू और संस्कृत यूनिवर्सिटी से पधारे आचार्यगण प्राचार्यगण तथा प्रिय छात्र एवं छात्राओं मुझे बहुत कुछ कहना नहीं है मैंने प्रारंभ में ये सोचा था कि कुछ अपने छात्रों को संस्कृत भाषा के महत्व पर स, स, हमारे इस संस्थान के उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए संस्कृत का क्या महत्व है उसकी क्या उपयोगिता है उस पर मैंने सोचा था अपने छात्रों के सामने आज संस्कृत दिवस के नाते मैं प्रकाश डालूँगा लेकिन धर्मदत्त चतुर्वेदी जी ने थोड़ा समय लंबा ले लिया अब तीन बजने जा रही है तो बच्चों का शायद भोजन का समय भी है एक डेढ़ बजे भोजन भी मिलती है लग हाँ थोड़ा पाप आपको लगा होगा क्यों तो इसलिए शायद बच्चे भोजन के लिए चले गए हैं तो बहुत ज़्यादा विद्वत वृंद के लिए मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है सिर्फ मात्र यही कहने चाहूँगा जब मैं भाषा पर विचार करता हूँ भाषा है क्या भाषा जो है हमारी जो भावनाएं हैं जो हमारे इमोशंस हैं हमारे दर्शन हैं हमारे चिंतन हैं उसका एक प्रकार के समूह है उसका आधार है दर्शन भाषा जो है भाषा क्या है चिंतन दर्शन जो हमारे विचार हैं उसको हम जो है लिख करके, पढ़ करके, सुन करके, बोल करके जो है हम आदान प्रदान करते हैं ये भाषा है इसलिए जिस भाषा को हम पढ़ते हैं तो उसका बैकग्राउंड क्या है उसका प्रभाव हमारे ऊपर होता है जैसे कि आपने प्रोफेसर बिहारी लाल जी ने कहा संस्कृत जो है देव भाषा है हमारी वैदिक परंपरा हो या हमारी जो भी भारतीय धर्म है, दर्शन हैं वो उस सब की समुहिका जो है क्या है संस्कृत भाषा है इसलिए संस्कृत भाषा में जितने भी ग्रंथ रचे गए हैं वो जो है सन महात्मा ऋषि मुनि बुद्ध बोधि सत्तों के द्वारा रचा गया है तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि उस भाषा के अंतर्गत जो विचार होगा वो जो है हमको कहाँ ले जाएगी वो हमें जो है ऋषि मुनि बुद्ध और बोधि तब को प्राप्त कराने के लिए हमको सहायक होगा आज जो आधुनिक भाषा है उसके जो विषय होंगे आधुनिक भाषा के रचयिता कौन हैं उसके रचयिता जैसे कि इकोनॉमिक को लें पॉलिटिकल साइंस को लें या अन्य साइंस और टेक्नोलॉजी को लें वो सब जो है क्या है ऑर्डनरी बीइंग सामान्य जन के द्वारा लिखा गया जो है सोच है विचार है चिंतन है दर्शन है यदि हम उसका आधार लेकर के हम चलते हैं तो वो हमें कहाँ पहुँचाएगी इस भेद को जो है हमको जानना चाहिए इस, मैं इसका अर्थ ये नहीं कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी को मैं जो है नाकार रहा हूँ उसकी भी आवश्यकता है क्योंकि ये बुद्धिज़्म में कहा गया है ना कि व्यक्ति का व्यक्तित्व जो सिर्फ जड़ मात्र तो नहीं है चेतना भी है जड़ और चेतन दोनों का विकास होना चाहिए जड़ के विकास के लिए भौतिक के विकास के लिए आधुनिक शिक्षा का होना भी ज़रूरी है लेकिन सिर्फ मात्र हम आधुनिक शिक्षा पर ही एम्फोसिस करते रहें और चेतना वाला पक्ष जो हमारा प्राचीन आध्यात्म वाला पक्ष जो है हम उसको उससे से छुटकारा या दूर रहेंगे तो फिर हमारा जेन्यून शांति की प्राप्ति कैसे हो सकती है इसलिए जो है संस्कृत भाषा जो है इस अर्थ में हमको लेना चाहिए जितने भी संस्कृत में वांग में हैं उनके रचना कौन है उसके रचयिता कौन है उसको देख करके जो है उसका अनुकरण हम लोगों को करना चाहिए तो और जब मैं भाषा और भाव का संबंध के रूप में जब मैं देखता हूँ तो भाषा कैसे उत्पन्न होती है भाषा जो है जो हमारा सूक्ष्म प्राणचित होता है जो व्यक्ति का आधार होता है जो व्यक्ति का केंद्र बिंदु होता है ना बुद्धिज़्म की दृष्टि के अनुसार हम ये मानते हैं कि सूक्ष्म प्राणवायु जो है जो सनातन है निरंतर बहते हुए आती है उस सूक्ष्म प्राण वायु में जब वाइब्रेशन जो तरंग उत्पन्न होती है विचारों का तरंग उत्पन्न होती है वो भाव जो है फिर भाषा के रूप में प्रकट होती है तो इसलिए आप इसको भी देखिए मैं कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता हूँ ये स्वर और व्यंजन को देख करके जैसे कि कुल सोलह हमारे पास जो है स्वर है है ना और चालीस व्यंजन है इन स्वर और व्यंजन को अगर आप जोड़ देंगे तो दुनिया का कोई ऐसा विषय नहीं है दुनिया का कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं रहता है कि जो प्रकट ना कर सकें है ना? बड़ा आश्चर्य होता हूँ मैं इन मातर छप्पन अक्षरों के द्वारा हम कला साहित्य संस्कृति साइंस विज्ञान टेक्नोलॉजी जोड़ करके जो है हम प्रकट कर सकते हैं है ना? वो कहाँ से उत्पन्न होती हुँ? वो उसका आधार बुद्धिज़्म में जैसे कि तंत्र में ये कहा गया है कि आ आ से सभी का सृष्टि होता है स्वर और व्यंजन जो का सृष्टि जो होता है वो आ आ का अर्थ है निष्प्रपंच आ का अर्थ है वो सूक्ष्म वायु जो निष्प्रपंच अवस्था है हमारा जो प्रिमोडियल नेचर के रूप में मानते हैं जो हम निश्चित के रूप में मानते हैं वो आ है तो आ के बिना न स्वर्ग का अस्तित्व होता है ना आगे बिना जो है किसी व्यंजन का अस्तित्व होता है आ जो है निश्चित रूप से सर और व्यंजन में व्याप्त होनी चाहिए क्यों क्योंकि जो भाव जो उत्पन्न होती है हमारा सूक्ष्म प्राण वायु से भाव उत्पन्न होती है और वो भाव जो है शब्द के रूप में प्रकट होती है इसलिए जो है उसका जो है अभिन संबंध रहता है तो इस अर्थ में जैसे कि मैंने पहले ही कहा तो मुझे विद्वानों के सामने कुछ कहने के लिए कुछ नहीं था फिर छात्रों को जो है संस्कृत भाषा की उपयोगिता हमारे संस्थान के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए संस्कृत मास्टर ये सब मैंने कह मैं ये सब कहने चाह रहा था वो बच्चे हैं नहीं तो बस इतना ही है कि मुझे अध्यक्षता का जो है बाहर सौंपा गया तो दो शब्द मुझे बोलना है इसलिए वो मैं दो शब्द आपके सामने रख रहा हूँ इससे अतिरिक्त और क्या कह सकता हूँ फिर जो भी हो आपने बहुत सुंदर व्यवस्था किया सिर्फ इतना है कि सामने आपने थोड़ा ज़्यादा लिया बाकी जो है व्यवस्था आपका सुंदर था अच्छा था उसके लिए सभी व्यवस्थापकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोग भी इतने चार पाँच घंटे धैर्य से रहे उसके लिए भी मैं जो है वास्तव में संस्थान के और से धन्यवाद देने धन्यवाद। विशिष्टा विशिष्टातिथि महोदय के वक्तव्य से पहले थोड़े हमारे चार छात्रों को और आप प्रोत्साहित कर दें जो उपस्थित हैं पुरस्कार के लिए छूटे हुए हैं जी तो आयुषी देवी शास्त्री तृतीय वर्ष लक्षुंग गुरुंग शास्त्री तृतीय वर्ष जमयांग पेमा गुरु शास्त्री आ, शास्त्री प्रथम वर्ष तृतीय पुरस्कार आपका तृतीय पुर आप आइए बाइर हाँ बायर रसिया रसिया के एक छात्र हैं जो इस समय शास्त्री द्वितीय वर्ष में हैं जी आ रहे हैं सामने प्रथम पुरस्कार है उनका अच्छी संस्कृत पढ़ते हैं तैयार करते हैं शास्त्री द्वितीय वर्ष अधुना मया तथा अस्माक संस्थान संस्थानीय प्रबंध भारम निर, निर्व्यूढ़ ठीक है ना सर बोलिए बोलिए व्याकरण का है प्रयोग है निर्व्यूढ़ तावत स्व कार्य प्रशासनिक कार्य अत्यंत पारंगता निपुण तावत विदुष्यः स्व विदुष्यः से विदुष्या अरे किम कथया न कवल हिंदू विश्वविद्यालय न कवल तिब्बती संस्थाने अन्यत्रापि क्या बोलते हैं उसको सर डिपुटेशन है ना सर आ? हाँ डिप्टे डिप्रेशन रूपेण अनेकत्र विश्वविद्यालय अनेक अनेकसा विश्वविद्यालय बहुत कि प्रशासन या समाकारयन पूर्वम साम प्रथम सांप्रतमी आकारयन्ति आम जी जी तात ता, 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 आम ता, ता, तरी सुप्रथिता गुणिन्य सौभाग्यशालिन्यवस्क सुनीता चंद्रा महोदया सादरम आमंत्री आकार्य अमे धन्यवादत्मक वचो भी परिवार परिवारपक्षत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर चतुर्वेदी सर परम कुलपति महोदय प्रोफेसर डब्ल्यू डी नेगी सर। Uh, आज के समारोह के मुख्य अतिथि uh, श्रद्धे बिहारीलाल uh, शर्मा सर uh, मंच पे विराजमान हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व uh, प्रोफेसर शुक्ला सर और समारोह में आमंत्रित हमारे विद्वतजन कवि कविगण और इस सभा में बैठे हुए आ, सभी विद्वान जन मैं अपने आप को आज बहुत छोटा इसलिए फील कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि मेरी एजुकेशन में कहाँ कमी रह गई कि हमने संस्कृत इस देश की आत्मा है बिल्कुल सही कहा हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने तो मुझे बहुत फील हो रहा है आज कि मैं संस्कृत पढ़ी क्यों नहीं लेकिन हाँ अब मैंने भी प्लेज किया मैं पढ़ के रहूँगी अब इसे अब मैं अब मैं इसे अब तो बहुत सारे ऑनलाइन ऑप्शन हैं और हम हमारे गुरुजी भी हैं तो हम जरूर अब इसे इस ज्ञान को अर्जित करके रहेंगे इसके पहले कि मैं धन्यवाद ज्ञापन का फॉर्मेलिटी पूरी करूं मैं एक चीज़ की क्षमा प्रार्थी पूरे सब जो यहाँ पे जितने भी हमारे बहुत आदरणीय लोग बैठे हैं मंच से लेके मंच के सामने बैठे हुए लोग हमने सबका लंच टाइम मिस कराया है लंच टाइम सिर्फ लंच टाइम नहीं होता किसी किसी के लिए वो दवाई खाने का समय भी है पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके दवाई मिस हुई होगी या लंच मिस होना ही ये इसका मैं पूरे आयोजन की तरफ से सबकी तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ और अपनी इस कड़ी में शुरुआत में सबसे पहले अपने मुख्य अतिथि महोदय का ज़रूर करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और उन्हें नहीं पता था हम सबको पता है प्रोफेसर चतुर्वेदी सर का अगर कार्यक्रम है तो उसकी लेंथ कितनी है लेकिन हमारे मुख्य अतिथि महोदय को नहीं पता रहा होगा इसलिए और उन्होंने इतना सुंदर जो हमें इतनी सुंदर बातें बताई संस्कृत और उसके महत्ता की आ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आप हमारे हमारे संस्था को इसी तरह से अपना आशीर्वाद देते रहें ये आशीर् ये हम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में हैं और संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय हम में है हम इस चीज़ को हमेशा मानते हैं क्योंकि हम उसके अंग थे और हम एक दूसरे के पूरक हैं तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने मुख्य अतिथि महोदय का जो महान व्यक्तित्व हमारे कुलपति महोदय जिन्हें कभी भी किसी चीज़ का कोई शिकायत नहीं होती अगर उन्हें इतने लंबे समय तक भी हमारे साथ बैठना पड़े और हमेशा अपनी अच्छी अच्छी सर का सब्जेक्ट है अध्यात्म और फिलॉसफी सर इतने बड़े सब्जेक्ट को इतने सरल तरीके से हम लोगों के सामने रखते हैं बच्चे बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं मुझे सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना है अपने हमेशा प्रेरणादायक जो बातें हमें दो बातें भी कहते हैं तो हमें वो महीने भर के लिए बहुत सारी एनर्जी स्टोर करने का एक गुंजाइश देता है कविगण जो विद्वान जन आ, बैठे हैं सबके नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ लेकिन आप लोगों ने इतनी सुंदर तरीके से मंच पे बैठे हुए हमारे शुक्ला सर भी आप लोगों ने इतनी सुंदर कविताएं पढ़ी जब मुझे धीरे से पूछा आ, आ, हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने कि आपको समझ आ रहा है ये जो ये सारा चीज़ मैंने कहा नहीं समझ तो नहीं आ रहा है लेकिन जो भाव था हम सच बता रहे हैं सर कि कवि सम्मेलन आ, क्यों कहा जाए संस्कृत को संस्कृत खुद कविता है जो कवि संस्कृत जब बोल रहे थे आप लोग तो वो इतने लय में इतने सुर में है जो न, सुर में नहीं भी थे वो भी जो सिर्फ एक वाक्य बोलने से भी उसमें इतने सारे इस तरह के सिलेबल्स हैं कि वो एक लय है उसमें तो वो अपने आप में कविता खुद ही है तो मुझे इस हाँ मुझे इस ज्ञान को देने का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे समारोह के आयोजकों का दूसरा जो हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने कहा कि संस्कृत और साइंस का बहुत बड़ा कनेक्ट है आ, वो बिल्कुल सही कहा आपने और ये चीज़ मुझे लगता है कि बच्चे अगर होते आ, और हमारे आयोज आ अगर थोड़ा सा ब्रेक दिया होता तो शायद बच्चे होते आ, बच्चों को ये सब च, चीज़ें जो जानने की थी वो बहुत उपयोगी चीज़ें सर ने बताई और आप संस्कृत पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ शास्त्री तक सर पढ़ाते हैं संस्कृत कंपल्सरी सब्जेक्ट है और मुझे लगता है कि मैं पूरे colpe di moda परमिशन से एक चीज़ कहना चाहूँगी मैं देख रही थी सर आप बहुत प्यार से सम्मान से सबके गले में एक माला डालते थे और एक सम्मान का चिन्ह हमारा वो आ, एक वस्त्र डालते थे हमारे तीन बच्चे जिन्होंने हिम्मत करी इस मंच पे आकर के इतने विद्वानों के साथ बोलने की उनके गले सुने हैं सर तीन बच्चों में से दो बच्चे तो हैं एक बच्चा चला गया तो मैं बिल्कुल आपसे निवेदन करूँगी सर उनके गले सुने ना रहने दें उन्होंने इतनी हिम्मत की है दे डेड टू ड्रीम टू कम टू दिस लेवल तो मेरे को लगता है कि उनका नाम uh, तो मैं नहीं जानती तेन सिंह uh, मोनो मोनो समथिंग एंड दावा तो सर और मैं सबका सब छात्रों सब को धन्यवाद देती हूं कि आप लोग यहां बैठे हमारे कर्मचारीगण जिन्होंने इसकी तो तीज़ें। तीज़ें। तो सर जो कविगण थे जो कमी करते हैं हाँ. आज के डेट में वो आपके छात्र सर आप एक गुरु हमेशा अपने बच्चों को छात्र हाँ नहीं जी 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 नहीं सर मैं खाली उनको कह रही हूँ सर जो जी चूंकि आज के डेट के सर एक गुरु हमेशा अपने छात्र को छात्र के रूप में ही देखता है लेकिन आज वो उन कवि की मंडली में खड़े थे जो कविता की प्रस्तुतियां कर रहे थे तो मैं इसीलिए मैं मैंने ये एक रिक्वेस्ट किया है और मैं ये सारे कर्मचारीगण को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने पूरा अरेंजमेंट किया नहीं बस आखिरी में मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कर्मचारीगण आयोजक मंडली जो आपकी थी सर आपके आयोजन में कोई त्रुटि नहीं थी बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ थीं और बहुत सुंदर तरीके से सब कुछ अरेंज किया उस सब के लिए धन्यवाद आप सबका यहाँ आने का यहाँ बैठे रहने का और मुझे सुनने का भी धन्यवाद में छात्र कवि के रूप में हमें उन्हें सम्मानित करना चाहिए अरे गच्छता स्खलनम को आप ही प्रमादता तो ए समाधति सज्जना उतनी कह रहे हैं बस समाध तो सज्जन लोग जो है क्या अगर कोई मिस्टेक हो जाता है कुछ मैडम चलते फिरते तो आपने अच्छा सजेशन दिया वास्तव तो में छात्रों को हमको उत्साहित करना चाहिए मोलम जी आइए आपका स्वागत हमारे मुख्य अतिथि महोदय आप अब करेंगे दूसरे कौन है दावा छमछो आप खड़े हो जाइए यहीं पर दावा छमछो आप भी आइए आपने बहुत सुंदर गीत सुनाया हमारी शर्मा जी मैडम सुन के प्रसन्न हो रही थी हाँ बहुत हाँ हाँ यश रागा नानो मनोदूषितम हाँ करा यस रागा दिनानो मनोदूषितम जी 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 निकालिए ना यहाँ से रखिए उठाइए नहीं हुआ था सम्मान किया है शुरू में हुआ आपको ध्यान नहीं है, और नहीं? हो गया? अधुना कार्यक्रम समापनम उदो विसर्जनम उद्घोष्य पूर्णविद पूर्णवदा पूर्णत पूर्ण मदुच्य पूर्ण पूर्णमादाय पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य